डेढ़ साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध का कोई सटीक हल नहीं निकल पाया है। ये युद्ध अब जिस मोड़ पर आ गया है वहाँ दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के हर तरीके अपना रहे हैं। रूस को अब यूक्रेन करारा जवाब देने लगा है। नेटो देशों की मदद से यूक्रेन रूस पर ड्रोन अटैक तक कर रहा है। हालांकि यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की आर्मी रूस के सामने हथियार डाल रही है। यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर करने की संख्या 10,000 को पार कर चुकी है। रूसी सेना के अधिकारियों के अनुसार यूक्रेनी सेना के एक साथ बड़ी संख्या में सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेनी सैनिक आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो बड़ी संख्या में लोगों को सेना में भर्ती किया गया। इन लोगों को ना तो सेना का अनुभव था और ना ही सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग मिली थी। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर पहुंचकर ये लोग रूसी सेना के सामने सरेंडर के लिए संपर्क कर रहे हैं। सरेंडर हो रहे कुछ मामलों में तो पूरी की पूरी कंपनी अपने हथियार और गोला बारूद के साथ रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। इसके अलावा बड़ी तादाद उन लोगों की है जो रूसी समर्थक हैं और अब तक अंडरग्राउंड थे। कई सैनिक तो ऐसे हैं जो रूसी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक बाकायदा सरेंडर करने के लिए एक स्पेशल रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं भी वॉकी टॉकी से इस पर संपर्क किया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी 149.200 पर कोड वर्ड वोल्गा के साथ संपर्क किया जाता है, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिक हथियार डालकर रूस की तरफ सेफ हो जाते हैं। हालांकि ये यूक्रेन और नेटो देशों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन यूक्रेन भी किसी से कम नहीं है। यूक्रेन लगातार अपने हथियारों के जखीरे को अपडेट कर रहा है। नेटो देश उसे वो हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं जिसके बारे में रूस ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा।